मैं यहाँ पहुँचा टैक्सी लेके, क्योंकि हमें पता था कि चढ़ाई होने वाली है, इस वजह से शरीर में थकान ना आए और चीज़ों को बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर सकें, इस वजह से हमने टैक्सी ली थी। तो आइए आपको घुमाते हैं आमेर का किला। राजस्थान की राजधानी जयपुर का आमेर का किला भारत में ही नहीं विश्व भर में प्रसिद्ध है। अरावली की पर्वतमाला के ऊपर बना यह किला राजस्थान की संस्कृति और कला का एक अद्भुत उदाहरण है। कछवाहा राजपूत राजा मानसिंह प्रथम, जो कि मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे, उन्होंने 1589 में इस किले की नींव रखी थी। जयपुर शहर को बसाने वाले राजा सवाई जय सिंह द्वितीय के कार्यकाल में 1727 में यह किला पूरा बन के तैयार हो गया था। सुरक्षा की दृष्टि से इस किले के चारों ओर लगभग 12 किलोमीटर की बाउंड्री, यही नहीं आमेर किले से जयगढ़ किले तक जाने के लिए 1.5 किलोमीटर की गुप्त सुरंग भी बनाई गई। इस किले में बनाई गई चित्रकारी, जिसे फ्रेस्को पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, इस पेंटिंग को बनाने में सब्जियों का प्रयोग किया गया। इस किले में बना शीश महल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा खूबसूरत शीश महल है। इस किले में प्रवेश करने के लिए दो गेट थे, एक सन गेट जिसे सूरज गेट कहते हैं और दूसरा मून गेट जिसे चांद पोल कहा जाता है। सन गेट से राजा लोग अंदर आते थे और जो चांद गेट था उसे जनता अंदर आती थी। यह है परेड का मैदान, जिसे सवाई जय सिंह 1699 से 1743 में बनवाया गया था और यहाँ पर सैनिक परेड करते थे। आमेर किला का एक तीन तरफ से खुला हुआ हॉल है, जिसका निर्माण राजा जय सिंह द्वारा कराया गया था। इसका निर्माण मुख्य रूप से आम लोगों की समस्याओं और उनकी फरियाद सुनने के लिए और निवारण करने के लिए बनवाया गया था।